कितना खतरनाक, क्या जबरदस्त नजारा है दोस्तों। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं समंदर में आ गया। मतलब जबरदस्त, बेहद खूबसूरत नजारा, बहुत सुंदर नजारा, बहुत सुंदर। हाय गाइस, आप जो मेरे पीछे ये धुआंधार ये डैम है, और डैम के लगभग पूरे दरवाजे खुले हैं दोस्तों। ये जो धुआंधार डैम है, ये और कुछ नहीं गाइस, ये है बरगी डैम। जी हाँ, जो बहुत बड़ा डैम है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, ये वो बरगी डैम है। और आज हम आए हैं बरगी डैम में घूमने के लिए। ओके, और इस बरगी डैम का ये पुल है, यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा बरगी डैम का नज़र आता है, बहुत सुंदर नज़र आता है दोस्तों। और जब ज़्यादा बारिश होती है और जब ज़्यादा पानी आता है उस समय, तो ये और बेहद खूबसूरत नज़र आता है। ये बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ से, और एकदम धुआंधार यहाँ पर पानी जो हो रहा है बिल्कुल, ये देखिए धुआंधार पानी गिर रहा है यहाँ पर, ज़बरदस्त। और अभी हमने जस्ट जबलपुर हाईवे छोड़ा है, जबलपुर हाईवे से ये बरगी डैम 10 किलोमीटर अंदर आता है। और जैसे मैंने एंट्री किया यहाँ से, उस रोड से जैसे मैंने एंट्री किया यार, इतना मज़ा आया ज़बरदस्त, और मैं तुरंत यहाँ पर रुक गया इसको कवर करने के लिए। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे डैम की तरफ, और फिर आपको डैम के ऊपर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ओके, बहुत किस्मत है हमारी अच्छी कि हमें बरगी डैम के दरवाजे यहाँ पर खुले मिल गए। तो चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर डैम के साथ साथ अवंतीबाई सागर जल विद्युत केंद्र है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, मतलब वाटर से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं रानी अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र और बरगी डैम। ओके, काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखिए पावर प्लांट नज़र आ रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए धुआंधार, और इसके पीछे ये डैम कितना बड़ा है वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मेगावाट है, वो 2.4 किलो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इस वाटर से जनरेट होती है दोस्तों। आप अंदाजा लगा सकते हैं 2.4 किलो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना बड़ा होता है। ओके, और ये इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी के मतलब वाटर की मदद से यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट उसकी मदद से तैयार किया जाता है, MP माइकल रिसोर्ट बरगी डैम। और ये है मध्य प्रदेश टूरिज़्म। ओके, यहाँ ये जो डैम है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स चलती है। देखो, शिप जो है जनरली समंदर में चलती है, पर अगर ये डैम में चल रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डैम कितना बड़ा है। ये रिसॉर्ट है माइकल रिसॉर्ट। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। और ये देखिए, यहाँ पर टिकट है, एंट्री टिकट हमें 15 रुपये चार्जेस है। ओके, आप ये बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, 15 रुपये एंट्री फीस है, यहाँ पे हम एंट्री फीस ले लेंगे सब दो टिकट। थैंक यू सर। तो गाइज, हमने टिकट ले ली है, और वो खड़ा है भांजा पीछे, और अब हम चल रहे हैं अंदर की ओर। ओके, तो सर, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं, और ये जो रिसॉर्ट है, यहाँ पर एक्चुअली रिसॉर्ट भी है, आप रुक भी सकते हैं, साथ में गार्डन व्यू है, और जो डैम है, डैम का बैक साइड का पूरा एरिया है, साथ में यहाँ पर बोटिंग सेंटर भी है, यहाँ पर बोटिंग भी होती है। ओके, देखिए काफ़ी खूबसूरत ये गार्डन भी है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोटिंग होती है, बोटिंग सेंटर है, बोटिंग सेंटर 10 बजे के बाद शुरू होता है, और अभी हुआ है 8:30, 9 बजे हैं, और 1 घंटा रुकना होगा हमें बोटिंग के लिए, तो हम यहाँ पर बोटिंग नहीं करने वाले। पर देखिए कितनी बड़ी बोट, शिप के जैसी बड़ी बड़ी बोट यहाँ पर रखी गई है, बढ़िया। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बोट्स यहाँ पर अवेलेबल है बोटिंग के लिए। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। गार्डन के अंदर से हम
डैम को पूरा कवर कर पाएंगे, पूरा नज़ारा देख पाएंगे जो काफ़ी और बेहद खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पर फैमिली रिजॉर्ट भी है, आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं आकर, बहुत बढ़िया है जगह। वाह देखिए दोस्तों, दूर दूर तक नज़र नहीं पहुँच पा रही है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है ये। इतना बड़ा डैम मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है, एक समंदर की तरह, बहुत बड़ा है ये। समंदर में कैसे दूर दूर तक पता नहीं चलता, वैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। वाह यार, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर आकर अच्छे अच्छे फूड इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है। और ये है जंगल सफारी, यहाँ की जो खूबसूरती है ये सारी यहाँ पर लगी हुई है। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, गार्डन का नज़ारा देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत मेंटेन करके डेकोरेट करके रखा हुआ है, बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। देखना उधर ही जाना, कहीं इधर मत चले जाना। उधर नहीं जाएंगे भाई, जाएंगे तो इधर ही जाएंगे, क्या बात है। लो पहुंच गए हमारे मामा। कितना खतरनाक, क्या जबरदस्त नज़ारा है दोस्तों, बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं समंदर में आ गया। मतलब दूर दूर तक अगर आप उस छोर पे देखेंगे तो ना पहाड़ी दिख रही ना कुछ, एक्चुअली ना यहाँ पे ना सनराइज़ और सनसेट देखने में ना बहुत मज़ा आता होगा, काश मैं वो देख पाता अगर मैं सुबह जल्दी आता तो। और वो जो ना गेट बहुत दूर है दोस्तों, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर दिख रहा, पास में नहीं है, बहुत दूर है, और ये रास्ता हमें लेके जाएगा ऐसे, तो इतना दूर जाना पड़ेगा यार। ये देखो क्या जबरदस्त, क्या मज़ेदार है। और यहाँ जो दिख रहा है ना दोस्त, ये भी किसी धुआंधार से कम नहीं है भाई। देखो गाइस, ये खतरनाक रास्ता है डैम तक जाने का, खतरा मोड़ लेकर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे हमारे मामा, एक बार और आगे, और आगे, और चलो। आ गए हमारे मामा, मजा आ गया भाई, ले लो गाइस। देखिए वो वहां से आए हैं इधर, वह बहुत दूर है भाई, ये काफी दूर है। हाँ बहुत थकाने वाला रास्ता है ये। मैंने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा है इस डैम के बारे में, तो मुझे पता चला कि ये जो डैम है 400 फीट गहरा है। बाप रे, 400 फीट मतलब कम होता है क्या? ये अपने आप में ही कई डैम को संभाले हुए डैम है, मतलब बहुत बड़ा डैम है, डैमों का डैम, महाडैम, वो बोलते हैं देवों का देव महादेव, वैसे डैमों का डैम महाडैम। 400 फीट गहरा है ये डैम, 400 फीट, बाप रे, किसे कहते हैं। ये देखिए नज़ारा, जबरदस्त नज़ारा, ये देखिए वो देखिए पानी किस तरह से आ रहा है, जबरदस्त। अब आगे चलते हैं और देखते हैं पास से हमें ये कितना अच्छा देखने को मिलता है। तो ये देखिए दोस्त, ये है डैम, और ये डैम के दरवाजों से बहता हुआ पानी, वाह बाप रे, क्या मजा आ रहा है, जबरदस्त, बेहद खूबसूरत नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर। ये देखिए क्या बात है गाइस, ये वो जगह थी, वो मिल गई। इसके लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बनता है भाई, इसके लिए फटाफट कर दो। क्या जबरदस्त जगह, मजा आ गई, वाह। ये देखिए उड़ता हुआ, धुएं की तरह उड़ता हुआ, ये धुआंधार वाटरफॉल, ये धुआंधार बरगी डैम का पानी, क्या मजेदार है, वाह आहा, जबरदस्त दोस्तों। तो गाइस आई होप दैट ये व्लॉग तो अब आपको जरूर पसंद आया होगा, अब एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसके बाद जाएंगे भेड़ाघाट।
गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दोस्तों लव यू, बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।